So, आज हम लोग जा रहे हैं स्कूल। तो स्कूल में जाने से पहले आप लोगों को पता है नहाना जरूरी है, बट तो मुंह धो के चलेंगे, ठीक है। एंड हम लोग यूज करने वाले हैं मामाअर्थ का फेस वॉश एंड मामाअर्थ का C3 फेस मास्क। सो एक्टिवेटेड चारकोल जेंटली ड्रॉज आउट डर्ट एंड इंप्योरिटीज, लीविंग द स्किन क्लीन एंड फ्रेश। जो C3 फेस मास्क में जो क्ले है, इट डीपली पेनिट्रेट्स विद इन द पोर्स व्हाइल रिमूविंग एक्सेस ऑयल फ्रॉम द स्किन। सो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड फ्री फ्रॉम सल्फेट्स है। इट आल्सो सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन्स एंड इट आल्सो ब्राइटन्स योर स्किन एंड रिड्यूसेस क्लॉगिंग ऑफ पोर्स एंड इंप्रूव द स्किन हेल्थ। सो गाइस, एवरी टाइम यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम मामाअर्थ, दे लिंक योर ऑर्डर विद अ ट्री दैट दे प्लांट, एंड बाय 2025 मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज एज देयर इनिशिएटिव। मोरओवर, मामाअर्थ जितना प्लास्टिक यूज नहीं करता उससे ज्यादा रिसाइकिल करता है। मामाअर्थ रिसाइकल्स 240 मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक एवरी मंथ। सो गाइस, इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, यू गाइस कैन गो टू Amazon, Flipkart, Nykaa एंड मामाअर्थ ऐप एंड मामाअर्थ वेबसाइट। मामाअर्थ का जो आपको डिस्काउंट है वो आपको सिर्फ मामाअर्थ की ऐप और वेबसाइट पे मिलेगा, एंड हमारा कोड यूज कर सकते हो आप SHOTA2021 फॉर डिस्काउंट 20% के लिए। सो गाइस, चलो अभी चलते हैं क्लासरूम में, मामा टीचर हमारा वेट कर रहे हैं। लेट्स गो आदि। देखते हैं हमारे जो धुरंधर इन्फ्लुएंसर हैं यहाँ पे SHUL का नाम रोशन करने वाले, ये पढ़ाई की फील्ड में कितने अकलमंद हैं और कितने भोंदू हैं। तो क्लास 4 में है, लेकिन आप क्लास 5 में हैं। आप यहाँ पे बदमाशी नहीं करें। पहली बात तो ये हमारा पहला दिन है, और इधर मैम को बोला कि स्कूल है, इधर बिना कोई लड़की दिख रही है। बॉयज ओनली स्कूल में कौन सी लड़की आएगी भाई? पेरेंट टीचर मीटिंग है क्या आज? नहीं, तो ये आंटी को क्यों बुलाया? तो वीडियो में कुछ इस तरीके का होने वाला है कि हम अपने छात्रों से पूछेंगे कुछ सोशल स्टडीज के सवाल और कुछ पूछेंगे हम साइंस के सवाल। हर ग्रुप से हम पूछेंगे 3-3 सवाल, सोशल साइंस में हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के भी, टोटल मिक्स हैं वो। हर किसी से जो भी सवाल पूछे जाएंगे, हर किसी को मिलेंगे 10 मार्क्स सही पॉइंट के, और उसके बाद अगर इन लोगों ने पहले अटेम्प्ट में गलत जवाब दिया तो वही सवाल बाकी दोनों टीम को मिल जाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, उसमें से जो पहला हाथ खड़ा करके, एक ही चांस मिलेगा दोनों में से किसी भी एक टीम को, जो पहले से हाथ खड़ा कर देगा उससे हम जवाब पूछेंगे। अगर सही जवाब दिया तो +5 हो जाएगा उनका, अगर गलत जवाब दिया तो उंगल करने के लिए -5 हो जाएगा उनका। तो लेट्स गेट ऑन विद इट। सो आर यू चाइल्ड्स रेडी? नो नो कॉफी नो मे आई गो टू टॉयलेट? यू वांट टू गो टू टॉयलेट? यस। टेस्ट के बाद ठीक है, हम तो इधर ही मुंह देंगे। चलिए, तो आप लोगों के लिए पहला सवाल, टीम आइसक्रीम, टीम आइसक्रीम की तरफ पहला सवाल जो आ रहा है, द डैश ओशन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, एटलांटिक ओशन। आर यू श्योर अबाउट दैट? या आई एम श्योर। गलत जवाब। थैंक यू सर। ओके, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन। तो टीम CMBM के हुए हैं 10 मार्क्स। CMBM सर, सर दूसरे रास्ते नहीं बोले थे हम आ रहे हैं। यही कर दिया, सुगर दिया इसने। सुगर दिया? हां बोला था जिसने, मैं ले लिया बॉटल में कर दिया। ये देखिए, अबे यहाँ तक पानी आ रहा है, अबे बैग ऊपर कर। टीम CMBM को 5 मार्क्स मिल चुके हैं क्योंकि आपके पास क्वेश्चन पास ऑन हुआ था, ठीक है। तो सेकंड सवाल हमारा CMBM के टीम के लिए जा रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी एशिया एंड डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। यस, सवाल जा रहा है। साइलेंस।
What is the second largest continent in the world? Option A is Europe, B Africa, C Asia, and D Australia. Africa. Correct. Team ice cream की तरफ हमारा अगला सवाल जाता है. Standard time of India is 82.5 East, 83 West, 84 East and 81 West. ये तो हम कोई ये कौन सी तरीके से पांचवी क्लास का क्वेश्चन है. आप सवाल का जवाब दीजिए. आप अब शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे. टिक टिक वन. ईस्ट 82.5. करेक्ट नॉर्थ अमेरिका. ऑप्शन ए इज रुकीज, ऑप्शन बी इज हिमालयस, ऑप्शन सी इज एंडीज एंड ऑप्शन डी इज माउंट किलिमंजारो. रॉन्ग. फक ऑफ. रॉन्ग. कौन सी टीम? ओके फर्स्ट एंड वेस्ट. रॉन्ग. -5 कर दीजिएगा इनके. सो टीम सब्स्टिट्यूट आपके लिए अगला सवाल है. इक्विनॉक्स मींस इक्वल डैश. समर एंड विंटर, डे एंड नाइट, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, नन ऑफ दीज. प्लीज रिपीट. इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स आपके हम सीधे -20 कर देंगे. उभरते रह जाइएगा पूरे मैच का. रिपीट करो यार. पूरा आप टेस्ट उभरते रह जाएंगे. डे एंड नाइट. करेक्ट. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. Oh, yes, yeah. Team ice cream. Yeah. Coming up with next question. The earth has dash movements. Option A, 4. Option B, 1. Option C, 3. Option D, 2. 2. Correct. चलिए. Team CMBM, are you ready? Yes. Okay, आपकी फट के चार होने वाली है. When was the national flag of India? Tiranga adopted officially. आपके पास डेट के ऑप्शन है. 15th of August 1947. ऑप्शन बी इज 22nd July 1947. ऑप्शन सी इज 26th January 1950. ऑप्शन डी इज 2nd October 1948. 22 July 1947. Fuck off. इसका रेस्ट. यस. टीम आइसक्रीम. 2nd October. आपके पास अगला सवाल आ रहा है. What was the last word of Mahatma Gandhi? Hey Shiv, Hey Ram, Hey Bhagwan, all of the above. Hey Ram. Correct. Thank you. तो टीम आइसक्रीम. Where is the birthplace of Rabindranath Tagore? Option A, Kanpur. Option B, Mumbai. Option C, Kolkata. And option D, Nagpur. Correct. Team ice cream. आपको mango dolly मिलेगी last में. तो ice तो हम cream है. ठीक है. Challenge. Team CMBM. Where is the birthplace of Subhas Chandra Bose? Option A, Katak. Option B, Puri. Option C, Balasur. Option D, Nagpur. ये Nagpur हमेशा आ रहा है. Balasur. Wrong. Okay. Katak. Correct answer. बहुत बढ़िया. Team substitute और team ice cream में भिड़ंत हो रही है. Team substitute. आपके लिए सवाल है. इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री डैश लार्जेस्ट कंट्री. आपको बताना है इंडिया लार्जेस्ट कंट्रीज की रैंकिंग में किस नंबर पे है. ऑप्शन ए 7th, ऑप्शन बी 6th, ऑप्शन सी 5th, ऑप्शन डी नहीं आता तो घर जाइए. 5 राउंड्स. राउंड. ओके 7. करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर. करेक्ट है. आपको +5 मार्क्स मिलते हैं. टीम आइसक्रीम ये लास्ट राउंड है आपके लिए. आप सबके लिए. द डैश इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ लिथोस्फेयर. ऑप्शन ए इज क्रस्ट, ऑप्शन बी इज कोर, ऑप्शन सी इज मेंटल, ऑप्शन डी इज ओजोन. ओजोन. रॉन्ग. क्रस्ट. करेक्ट. आप एटमॉस्फेयर के लेयर बता रहे थे. तो टीम सी एम बी एम आपके लिए नेक्स्ट सवाल है. द प्रोसेस ऑफ हीट प्रोसेसिंग अ लिक्विड और अ फूड.
टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया टू मेक द फूड सेफ टू ईट इज कॉल्ड ड्राइंग पैस्चराइजिंग पैस्चराइजेशन एंड बॉइलिंग दीज नन ऑफ दीज नहीं तो तू भी बता देगा बता हमको बताएगा बॉइलिंग करेक्ट इतना टाइम किस वो उसमें कर रहे थे तो टीम सब्स्टिट्यूट आपके लिए नेक्स्ट सवाल है डैश एनर्जी इज यूज्ड इन ड्राइंग क्रॉप्स ऑप्शन ए इज जियोथर्मल ऑप्शन बी इज बायोमास ऑप्शन सी इज विंड एनर्जी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज टिक टिक फोर टिक टिक फाइव टिक टिक सिक्स टिक टिक सेवन बायोमास करेक्ट करेक्ट इतना भाई कौन सा रॉकेट साइंस लगाई थी भाई कंफ्यूज था सारा सारा हम सोचा था ये सो गाइस बहुत सारे करेक्शन और कॉपीज को चेक करके और सारे सिचुएशंस को मद्देनजर रख के हम लोग इस तात्पर्य पे आ पहुंचे हैं कि टीम सब्स्टिट्यूट को मेन लाइनअप पे ले आना चाहिए अब टीम सब्स्टिट्यूट को अब मेन लाइनअप पे आ जाना चाहिए कहीं रंग दिखा रहे हैं सो गाइस आई होप आप लोगों को आज की वाली वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और याद रहे गाइस मॉर्टल की वोटिंग लाइनअप्स अभी भी खुली हुई हैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहां पे जाके हमारे भैया के लिए इंडिया टुडे पे भी आए थे वो सब उनको जाके आप वोट कर दिएगा स्ट्रीमर ऑफ द ईयर अवार्ड की कैटेगरी में आपको वो हंसता खेलता चेहरा कॉर्सियर की एक टी शर्ट पहने मिल जाएगा आपको हेडफोन लगा के ग्रीन कलर का आप वहां पे जाके उनको वोट कर दीजिएगा डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मिलते हैं गाइस आप लोगों से अगली वीडियो में अंटिल देन बाय बाय टेक केयर गुड बाय